हाँ तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल केसर। आज फिर एक नए टॉपिक पे वीडियो बनेगा दोस्तों हमारा। ये अभी हमें मालूम नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो ये आप देख रहे हैं, अभी ये टो के ये ट्रैक्टर आ चुका है हमारी वर्कशॉप पे। ये जो पीछे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मित्सुबिशी कंपनी का जो मिनी ट्रैक्टर आता है वही है, मित्सुबिशी कंपनी का दोस्तों। ये 4x4 रहता है, 4x4 जिसे हम बोलते हैं। तो अभी ये हमारी वर्कशॉप पे आ चुका है। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है हम देखते हैं दोस्तों, फिर आपको बताते इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसमें कौन से जॉब पे हमें काम करना है। तो दोस्तों आप ये हमारा वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिएगा। ओ मिनी आ चुका है, देखो इधर में ये मित्सुबिशी कंपनी का मिनी ट्रैक्टर है दोस्तों, और ये हमारे वर्कशॉप पे आ चुका है। अभी देखते हैं इस छोटे मालिक को क्या हुआ है। तो अभी ये भाई यहाँ से इसको जो टो लगाया हुआ है, जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं टोचन, वो निकाल रहे हैं। आहिस्ता से निकालो भाई ये। हाँ तो दोस्तों अभी ये निकाला है, और बाद में निकाल लेना यार, चल मेरे को देख मिनट। अच्छा तो वो बता रहे हैं कि क्लच उनका काम नहीं कर रहा दोस्तों, तो हम देखते हैं। अच्छा निकालो, वो लपर बांधा हुआ इन लोगों ने। इसका मतलब है कि उसका सबसे पहले दोस्तों कि उसका क्लच का स्प्रिंग लगा नहीं है, और ये क्लच आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से काम ही नहीं कर रहा दोस्तों। तो उसका क्लच का प्रॉब्लम है, ये इसके लिए हमको दो पार्ट करना पड़ेगा दोस्तों उसका। उसमें प्रॉब्लम है क्लच का ही दोस्तों। उसका जो क्लच का रिलीज बेयरिंग रहता है वो काम नहीं देता है। उसका जो फॉग रहता है लीवर, वो घूम चुका है दोस्तों, हमको मालूम हो गया। तो चलो हम जल्दी से इसका दो पार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों अभी मित्सुबिशी इसका हमें दो पार्ट करना है। तो हमें सबसे पहले इसका ये टायर रॉड निकाल लेना है दोस्तों, और यहाँ से इसको ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजन सेंटर लगाना है दोनों साइड, लेफ्ट राइट इंजन सेंटर। हाँ दोस्तों, और ये टायर रॉड गुटका निकाल के हमें ये टायर रॉड निकाल लेना है। ये पूरा वायरिंग को भी निकालना है हमें अच्छी तरह से, ये पूरा वायरिंग निकाल लेना है दोस्तों हमें। पूरा वायरिंग भी कटा हुआ है यार, बहुत पुराना ट्रैक्टर है ये तो दोस्तों। यहाँ स्टार्टर पे से भी हमको ये पूरा वायरिंग निकालना है, बाद में ये हाइड्रोलिक कनेक्शन पूरा निकालना है, आउट इनलेट दोनों, ये 10 नंबर का 4 बोल्ट नीचे की ओर लगा है वो निकालना है, और ये नीचे की ओर से ये 4 बोल्ट निकाल लेना है। तो दोस्तों ये पाइप निकल जाएगा हाइड्रोलिक का, ये इनलेट है, इनलेट आउटलेट दोनों निकाल लेना है दोस्तों। ये पाइप हमें निकालना है, पुराने निकालना दोस्तों, ऊपर से ही खाली इसका बोल्ट निकालना है, और ये स्टार्टर निकालना है दोस्तों ये बोल्ट खोल के। और दोस्तों इसमें तो इसका बॉडी भी पूरा क्रैक हुआ हुआ है दोस्तों, बॉडी टूटा हुआ है इसका दोस्तों। हमें ये बोल्ट भी निकालना है, बहुत पुराना ट्रैक्टर है दोस्तों ये। और नीचे से ये जॉइंट निकाल लेना है दोस्तों हमें, इसका भी कवर नहीं लगा है, ये भी इसका कवर ना डालना पड़ेगा नया। ए भाई इसका कवर कहाँ पे रखा है यार? अच्छा घर पे, इन लोगों ने घर पे निकाल के रखा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों देखो मिडल में जेक लगाना है, आगे की ओर हम ट्रॉली लगाएंगे और पीछे में जेक, इसका इंजन हम आगे की ओर निकालेंगे। तो हम इसका जल्दी से दो पार्ट करते हैं दोस्तों, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखना। अभी ये एक्सीटर लीवर निकालना है हमें इधर से, ये क्वार्टर निकाल के ये डीजल कनेक्शन निकालना है डीजल पंपर से, और ये टंकी का जो रिटर्न डीजल का पाइप रहता है वो भी निकालना पड़ेगा दोस्तों हमें। और दोस्तों ये नीचे से भी पूरा कनेक्शन हमें निकालना पड़ेगा, और ये स्टॉप लीवर वायर यहाँ पे से 10 नंबर का नट खोल के इसको निकालना पड़ेगा, और ये पूरा कनेक्शन निकालना पड़ेगा नीचे से ये पाइप का, ये निकालना पड़ेगा दोस्तों। और इधर से भी राउंडिंग का पूरा बोल खोलना है हमें, ये वाला नीचे 13 और 18 नंबर का बोल लगा हुआ है इसमें। और दोस्तों ये डीजल का कोक का कनेक्शन, ये अंदर की ओर से भी ये 18 नंबर का बोल निकालना है, बाद में ये डीजल कोक बंद करके हमें इसका एक डीजल का पाइप भी निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो इसको बंद करके तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखना,
हम इसका दो पार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने अभी इसका पूरा राउंडिंग का बोल्ट निकाल लिया है, पूरा जो बताया अब सब कनेक्शन निकाल लिया है। अब हम इसका दो पार्ट करते हैं जल्दी से। तो इस तरह से नीचे ट्रॉली लगा हुआ है, एकदम जीरो सेंटर मिलाना पड़ता है दोस्तों, और एकदम आसानी से देख सकते हैं आप ये दो पार्ट हो चुका है दोस्तों। इसका इंजन हम आगे की ओर निकाल रहे हैं, आप देखते हैं पूरा देख सकते हैं आप। इस तरह से एकदम हल्का धक्का लगाओ, उधर से लगा भाई थोड़ा, ये पाइप को थोड़ा ऊपर उठा, ऊपर की ओर, बस बस बे। हाँ तो देखो अभी ये आहिस्ता उस ऊपर ऊपर, हाँ उसको। हाँ तो दोस्तों, आपने जैसा देखा कि अभी हमने इसका दो पार्ट पूरी तरह से कर लिया है। अभी देखते हैं इसमें रीज़न है क्या। मैं श्योर हूँ कि वही प्रॉब्लम तो है, फिर भी आपको मैं, हाँ तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये रिलीज बेयरिंग दोस्तों, क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगा नहीं रहता है। देखो ये घूम चुका है, आप देख सकते हैं, ये रिलीज बेयरिंग की बात करता था मैं दोस्तों। हाँ तो ये प्रॉब्लम है इसमें। देखो ये उसका जो यॉर्क जो क्लच लीवर रहता है दोस्तों, ये ऐसे ही घूमता है। देखो ये पूरा क्लच, ये रिलीज बेयरिंग आगे की ओर नहीं होता क्योंकि ये पूरा घूम चुका है, ये देख सकते हैं। देखो अब ये कैसा लगेगा हम आपको बताते हैं, ये घूम चुका है देखो, बस यही प्रॉब्लम है दोस्तों, उसमें दूसरा कुछ दिक्कत नहीं है। तो अभी हम आपको सही कैसे लगेगा वो बताते हैं। देखो ये चीज़ लगनी चाहिए, ये दोनों जो कट दिया हुआ है ना साइड में, ये कट देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे लगना चाहिए दोस्तों, दोनों और देख सकते हैं आप, ये दोनों कट, तो ये ऐसा लगा था। अभी ऐसा लगेगा तो नहीं चलेगा, ये ऐसा लगाना पड़ता है। तो आप समझ गए होगे शायद ये वीडियो देख के कि इस तरीके से ये साइड में रहता है, देखा ऐसा होना चाहिए। तो ये यॉर्क यहाँ पे लगेगा, ये पूरा रिज बेयरिंग अंदर के और बाहर की ओर हो जाएगा। हम बताते हैं आपको ये कैसे काम करता है दोस्तों। मेन रीज़न उसका मिल गया हमें कि यही प्रॉब्लम है उसका, बस इस तरह से लगना चाहिए, देख सकते हैं आप। देखो अभी ये ऐसा काम करता है, ये अंदर में ये ऐसे ऐसे एकदम हल्का दोस्तों, ये ऐसे रहेगा तो ये काम नहीं करेगा, देख सकते हैं आप। अभी हम क्लच वर्क कर रहे हैं, देखो रिज बेयरिंग वहाँ ही उसकी जगह पे ही रहते हैं, बस तो ये साइड में वर्क होता है दोस्तों। तो उसका मेन रीज़न हमें मिल चुका है, हम पहले ही श्योर थे कि उसका ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पहले भी ऐसे बहुत से ट्रैक्टरों में ये प्रॉब्लम आ चुका है दोस्तों। तो उसका ये फ्लाईव्हील प्रेशर प्लेट क्लच पे सब सही है, तो हमें बस यही काम है। तो दोस्तों अब इसको हम अच्छी तरह से, जब हमने दो पार्ट कर ही लिया है, तो इसको हम कम्प्लीटली वॉश करेंगे अच्छी तरह से, और उसका क्लच पैनल का स्प्रिंग नहीं है वो हम नया ला के डाल देंगे। अभी ये सब चीज़ सही है दोस्तों, उसको कुछ करना ज़रूरी नहीं है, हम सिर्फ उसको वॉश कर लेंगे थोड़ा हमारा एयर बैग लगा कर। तो उसको ज़रा यार यहाँ पे हम इसको एयर लगाएंगे और कम्प्लीटली इसको क्लीन करेगी। तो दोस्तों ये दो पार्ट करके हमने रीज़न ढूंढ लिया है उसका, कि मेन प्रॉब्लम उसका रिलीज बेयरिंग का ही है। तो ये पूरा गन के इसको हम वॉश करते हैं, और इसको दो पार्ट कैसे करते हैं वो बताते हैं दोस्तों फिटिंग। हाँ तो दोस्तों अभी हम इसमें ये रिलीज बेयरिंग कैसे फिटिंग होता है और हम इसको फिटिंग करते हैं। देखो इस तरह से इसको हल्का सा ग्रीस लगा लेना है, और टॉप साफ पे भी थोड़ा हल्का सा ग्रीस लगा लेना है दोस्तों। ग्रीस लगाने से ये होगा कि इसमें जंग नहीं लगेगा। तो देखो दोस्तों इस तरीके से ये बेयरिंग फिटिंग होता है दोस्तों। ऐसे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी में थोड़ा वीडियो को हम कट करके बनाएंगे। इस तरह से हल्का सा ग्रीस लगाना है दोस्तों, टॉप साफ पे, ये टॉप साफ है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसको एकदम जल्दी से फिट करेंगे, और इस तरह से एकदम क्लीन करना पड़ता है दोस्तों। देखो सफाई मेन चीज़ रहती है हमारे जॉब में। तो दोस्तों आप लास्ट तक हमारा वीडियो वॉच कीजिए। तो अभी इसको हम जल्दी से दो पार्ट जॉइंट कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं आप, हमने ये दो पार्ट इस तरह से जॉइंट किया। अभी ये थोड़ा सेटिंग, उधर से थोड़ा हिला नहीं, हाँ थोड़ा हल्का हल्का, बस इधर की ओर लगा बॉल, हाँ लग चुका इधर,
अच्छा ठीक है, चलो कस लो। हाँ तो दोस्तों अभी ये पूरा बोल्टिंग हमने कस लिया है, अब इसको जो चीज़ हमने निकाला वापिस हम उसको कंप्लीट उसकी जगह पे फिटिंग कर लेंगे दोस्तों। तो इसमें रिलीज बेयरिंग का प्रॉब्लम था दोस्तों, आपको दिखाया हमने, तो अभी ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, समझ लो। अभी इसको हम पूरी वायरिंग वायरिंग उसका लगा के ट्रैक्टर को हम स्टार्ट करके आपको बताते हैं। ये टो हो के आया हुआ ट्रैक्टर था दोस्तों, मित्सुबिशी, तो हम आपको स्टार्ट करके बता रहे थे। हाँ तो दोस्तों अभी ये ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी ये ट्रैक्टर हम स्टार्ट करते हैं, देखो। और अभी ये ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, एक्सीटर एक्सीटर दोस्तों अभी ये ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसको उसका गियर कम्प्लीटली चेक करते हैं कि हमारा काम सक्सेस हुआ या नहीं। तो दोस्तों अभी ये क्लच इसका कम्प्लीट है दोस्तों। ये वही ट्रैक्टर है जो टो होके हमारी वर्कशॉप पे आया था, जैसा आपने देखा वीडियो में दोस्तों। अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट ट्रैक्टर हो चुका है दोस्तों। दोस्तों अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आप ट्रैक्टर ऑनर है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा नंबर दिया हुआ है दोस्तों, आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपका पूरा पूरा सहयोग देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि देखो अभी ये इसका क्लच कम्प्लीट हो चुका है, और ये ट्रैक्टर आप देख सकते हैं आगे पीछे कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। हम खाली इसको ऐसे ही टेस्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये उसका रिलीज बेयरिंग का ही प्रॉब्लम था, आपने देखा दोस्तों इस वीडियो में पूरा। तो इस तरह से इसको दो पार्ट करके हमने इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व किया दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों आपका धन्यवाद, आप हमारा ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। और दोस्तों हम आपके लिए हर रोज़ नए नए टॉपिक पे ऐसी वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। तो आप ये हमारी चैनल पे नए हैं तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें दोस्तों। अगर आपके दोस्त कोई ट्रैक्टर ओनर है तो उनको भी आप शेयर करके बताएं दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब एकदम फ्री रहता है दोस्तों, उसका कोई चार्जेस नहीं लगता। तो प्लीज़ आप हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से इसका हमने दो पार्ट करके उसका जो क्लच का प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया है दोस्तों ये ट्रैक्टर को। तो दोस्तों ये था मित्सुबिशी का क्लच का प्रॉब्लम जो सॉल्व हो चुका है। और दोस्तों प्लीज़ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी आप क्लिक कर लें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे दोस्तों सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक पे कोई नया वीडियो लेके दोस्तों हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।